अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं आलू वड़ी, यानी अरबी के पत्तों की वड़ी। इसको आलू के पत्ते भी कहते हैं और अरबी के पत्ते भी कहते हैं। तो ये इस तरीके के होते हैं। तो जो इसकी डंडी है बड़ी वाली, इसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे। देखिए डंडी को मैंने कट कर दिया है। अब हम इसकी साइड को पलटी कर देते हैं और ये जो मोटी सी आपको डंडी लग रही है, इसको हमें हल्के से नाइफ की हेल्प से प्लेन कर लेना है, कट कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, वरना पत्ते फट भी सकते हैं। थोड़े बहुत पत्ते फट जाएंगे तो चलेगा, बट ज़्यादा फटना नहीं चाहिए, वरना वड़ी हमारी सही नहीं बनेगी। बहुत ही ईजी है वड़ी बनाना। बस थोड़ी सी स्टेप्स इसमें होते हैं, जो अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी वड़ी जो है अच्छे से बनकर रेडी होगी। तो देखिए तीनों साइड की जो डंडी है मोटी, सिर्फ इनको ही निकाल लेना है हल्के हल्के हाथों की हेल्प से। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको प्लेन कर लिया है। जो मोटी मोटी डंडी थी ना, ये तीनों सिर्फ यही निकालनी है, बाकी ये कॉली होती है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सारे पत्तों को इसी तरीके से अच्छे से उसकी डंडी निकाल लेंगे और इनको हमें वॉश कर लेना है, अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। अगर इस पर कोई मिट्टी वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको वॉश करेंगे, ज़्यादा दबाते हुए वॉश नहीं करना है, वरना ये पत्ते जो है थोड़े नाजुक होते हैं, फट भी सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से सारे पत्तों को हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि इसी तरह मेरी रेसिपीज आप तक पहुंच सके। तो देखिए जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, सेम उसी तरीके से आपको पत्तों को वॉश कर लेना है। अब ये मैंने इमली ले ली है, ठीक है। इमली को मैंने भिगो कर रखा था आधे घंटे के लिए। आधा कप मैंने इमली ली है। इसका छिलका वगैरह जो भी होता है उसको अच्छे से साफ़ करके फिर इमली को आपको भिगाना है, इसकी बीज वगैरह निकाल लेना है। और भीगने के बाद इस तरीके से हो गई है हमारी इमली। और ये मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, 15 से 16 कलियाँ आप ले ले, थोड़ी मोटे साइज़ की अगर है तो। बस इसमें इतने ही मसाले जाते हैं, बहुत सिंपल मसालों में वड़ी बनकर तैयार हो जाती है। और सबका जो है अलग अलग तरीका होता है वड़ी बनाने का, बट मैं जो तरीके से बनाती हूँ मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम जार ले लेते हैं। जार में मैंने इमली और लहसुन की कलियों को डाल दिया है। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसको पीस कर इसका स्मूथ सा हमें पेस्ट बनाकर रेडी करना है। देखिए इस तरीके से, इसमें अक्के लहसुन वगैरह नहीं आने चाहिए। अब हम बैटर बना लेते हैं, जो हम वड़ी के पत्तों पर लगाने वाले हैं। उस बैटर वो बैटर बनाने के लिए हमको 2 कप के करीब बेसन चाहिए, चने का आटा 2 कप, यानी 1/2 किलो पूरा मैंने चने का आटा यहाँ पर लिया है। अब जो हमने इमली और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो हम इस आटे में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के जार में इसमें ऐड कर दे रही हूँ मैं, थोड़ा सा जो बचा हुआ था पेस्ट। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही भरकर तेज़ वाली लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। और इसमें हमें सॉल्ट ऐड कर देना है 1 टीस्पून भरकर। आप इसको टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको सॉल्ट कम लग रहा है तो आप और इसमें बाद में ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल 1 टीस्पून ही ऐड किया है इसमें। अब पानी ऐड कर देंगे और इसको हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और ये बैटर को हमें ना तो बिल्कुल पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अगर हम बहुत पतला कर देंगे तो पत्तों पर लगेगा नहीं, और अगर हम
मतलब स्टीम होते वक्त पत्ते हमारे खुल भी जाएंगे अगर ये बैटर पतला हो जाएगा तो, और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा रख देंगे तो लगाते वक्त पत्ते फट सकते हैं, इसलिए हमें मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है। देखिए इस तरीके से मैं आपको हाथ से बता रही हूँ ताकि आपको इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से समझ में आ जाए। इतना ही ठीक हमें इसको रखना है, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा इसको करना है। तो बैटर हमारा रेडी है, इसको हम साइड में रखते हैं और लगाना शुरू करते हैं पत्तों पर। तो मैं जो सबसे बड़े साइज़ का पत्ता है वो ले रही हूँ। इसमें बड़े और छोटे साइज़ के पत्ते होते हैं। जो बड़े साइज़ के होते हैं सबसे पहले हमें उनको यूज़ करना है और लास्ट में हमें छोटे पत्तों का यूज़ करना है। तो बड़े पत्ते की उल्टी साइड हमें लेनी है, ठीक है। उल्टी साइड पर हमने जो चने के आटे का बैटर बनाया है उसको लगा देना है, और अच्छा लगाना है। थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे तो टेस्टी लगती है बड़ी खाने में, एकदम कम कम नहीं लगाना है और हल्के हल्के हाथों से लगाना है, ठीक है। क्योंकि पत्ते मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़े नाजुक होते हैं, तो हल्के हल्के हाथों से लगाना है ताकि पत्ता जो है हमारा फटे ना। तो बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है, इजी भी है बनाने में। बस कुछ स्टेप्स हैं जो आप अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो माशाल्लाह से आपकी भी वड़ी बहुत अच्छी बनकर रेडी होगी। तो देखिए सारी जगहों पर मैंने अच्छे से लगा लिया है बेसन के बैटर को। अब देखिए दूसरा पत्ता इस पर हम रख देंगे। तो एक पत्ता हमें सीधा रखना है और एक उल्टा, मतलब उल्टी साइड का ही यूज़ करना है। बट ये जो नोक होती है ना पत्ते की, एक तरफ ऊपर रखनी है ये नोक। देखिए एक बार ऊपर रखनी है, फिर जब दूसरा पत्ता आप रखोगे तो उसकी नोक आपको नीचे रखनी है, ठीक है। अभी मैंने ऊपर नोक रखी है ना पत्ते की, तो इसके ऊपर अब हम पहले बैटर को अच्छे से लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस पर भी मैंने अच्छे से लगा दिया है बैटर को। अब हम दूसरा पत्ता ले लेंगे। तो देखिए एक बार जो ये नोक होती है ना, ये जो नोक होती है पत्ते की, ये अब हमने ऊपर रखी थी ना, तो अब इसको हम नीचे रखेंगे, समझ रहे हो आप। एक बार ऊपर नोक रखनी है, एक बार नीचे रखनी है और सीधी साइड को अंदर रखना है। ये जो उल्टी साइड है पलटी करके उसी पर हमें आटे को लगाना है, ठीक है। तो सारे पत्तों को इसी तरीके से एक बार नोक ऊपर और एक बार नोक नीचे रखते हुए हमें आटे को पूरा लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम रोल कर देंगे। सारे पत्तों पर मैंने जो है बैटर को अच्छे से लगा दिया है। अच्छे से टाइट हाथों से हमें इसको फोल्ड करना है, ढीले हाथों से फोल्ड नहीं करना है, और एकदम हल्के हल्के से जो है इसको आहिस्ते आहिस्ते हम फोल्ड कर लेंगे। कुछ लोग इसको धागे से भी बांधते हैं, बट बांधने की ज़रूरत नहीं है, बगैर बांधे भी ये जो है अच्छे से फोल्ड हो जाती है और खुलती भी नहीं है। तो देखिए मैंने बगैर धागे के इसको बनाया है। अब जो ये साइड वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से आप अंदर डाल दें, या फिर स्टार्टिंग में ही पहले साइड से फोल्ड कर ले फिर सेंटर से फोल्ड कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है वड़ी फोल्ड हो चुकी है। अब हमें इसको स्टीम देना है। तो जब मैं इसको फोल्ड कर रही थी तब मैंने स्टीमर को पहले गरम कर लिया था, पानी डाल दिया था नीचे और इसको ढक्कन से कवर करके अच्छे से गरम कर लिया है। जब ये गरम हो गई तो अब मैंने इसमें वड़ी को रख दिया है, ठीक है। अब फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और इसको कवर कर देंगे और 20 मिनट तक हमें इसको अच्छे से स्टीम दे देना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी बना सकते हो, और अगर नहीं है तो आप इस तरीके से कोई बड़े बर्तन में या कढ़ाई में भी इसको स्टीम दे सकते हो। मेरे पास स्टीमर है बट जिनके पास नहीं है उनको बताने के लिए मैंने कढ़ाई में इसको बनाया है। देखिए 20 मिनट में माशाल्लाह से हमारी वड़ी जो है अच्छे से स्टीम हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है, देख सकते हैं आप। देखिए अच्छे से पक चुकी है वड़ी हमारी। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए देंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम इसके पीस को कट कर लेंगे।
देखिए वड़ी जो है हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और बिल्कुल सेट है, कहीं से खुली भी नहीं है, हमने इसको जबकि धागे से बांधा भी नहीं था, बट ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। गरम गरम में कभी भी कट नहीं करना वरना ख़राब हो जाएगी वड़ी आपकी, अच्छे से शेप नहीं आएगा उसका। अगर आपको मोटे पीस पसंद है तो आप मोटे कट कर लें, या पतले तो पतले, मुझे पतले पसंद है तो मैं पतले कट कर रही हूँ। हमारे यहाँ थोड़ी क्रिस्पी इसको फ्राई करके खाया जाता है। अगर आपको मोटे कट करना है तो आप वो भी कट कर सकते हो। तो ये देखिए कट कर लिए है, बहुत ही अच्छे इसके पीस कट हुए हैं। अगर आपको कम पत्तों की बनानी है छोटी छोटी गोल गोल शेप में तो आप उस तरीके से भी इसको बना सकते हो। तो सारे पीसेस को हम कट कर लेंगे। और जितनी आपको फ्राई करनी है बस उतने ही पीस कट करने हैं, बाकी आप इसको एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से रख दीजिए पैक करके। एक हफ्ते तक ये फ्रीज में अच्छे रहते हैं, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रीज में नीचे रखना है, तो ये अच्छे रहते हैं एक हफ्ते तक। जब भी आपको खाना हो तो आप निकालें, इसके पीस कट करें और इसको फ्राई करके खा लें, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये खाने में। तो चलिए मैं आपको इसको फ्राई करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल को गर्म कर देंगे। ऑयल हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर उसके बाद एक एक करके वड़ी को इसमें ऐड कर रख देना है। मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसको अच्छे से क्रिस्पी और लाल होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़े क्रिस्पी फ्राई करते हैं तो खाने में मज़ा भी आता है इसको। तो देखिए एक साइड से हमारी वड़ी माशाल्लाह फ्राई हो चुकी है। अब इसकी साइड को हमें पलटी कर देना है और दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे ब्राउन कलर आने तक। मैंने थोड़े पतले पतले कट किए हैं तो थोड़ी सी खुलेगी तो भी चलेगा, अगर आप मोटे मोटे साइज में इसको कट करोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो देखिए वड़ी माशाल्लाह हमारी फ्राई होकर रेडी हो चुकी है और इसको मैंने डिश आउट भी कर लिया है। देख सकते हैं आप कितनी कुरकुरी और मज़ेदार सी, देखिए मैंने इसको फ्राई किया है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी वड़ी कैसी बनी थी। तो मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।